हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो गाइस, आज हम आपको पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 5th पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4th तक हमारे हो चुके हैं, आज हम पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 5th। तो गाइस, जो आपकी जो बुक है उसमें काफ़ी मिसप्रिंट भी हो रखा है, तो आप कन्फ्यूज मत होना, आप हमारे वीडियो से देख कर पढ़ सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है आपकी बुक का क्या नाम है, राजनीतिक सिद्धांतिक परिचय, कि आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक का नाम है। आपका यूनिट 2 का क्या नाम है, अवधारणा समान स्वतंत्रता समानता न्याय एवं अधिकार। चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है, समानता की अवधारणा। ये आपके आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ समानता की अवधारणा के बारे में। तो गाइस देखिए, पहले समानता और स्वतंत्रता में संबंध, फर्स्ट टॉपिक क्या आता है आपका, समानता और स्वतंत्रता में संबंध। स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंध के विषय पर राजनीतिज्ञों में पर्याप्त मतभेद है। क्या है मतभेद है? कुछ व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्रता और समानता के लोग प्रचलित अर्थों के आधार पर इन्हें परस्पर विरोधी बताया गया कि ये आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। इसके अनुसार स्वतंत्रता अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। क्या है स्वतंत्रता? क्या है? अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। जबकि समानता का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार के सभी व्यक्तियों को समान समझने से, कि सब अपने अपने समान हैं। इन व्यक्तियों के विचार, यदि सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है तो जीवन के परिणाम नियंत्रण असमान होंगे, और शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों के समान कर दिया जाए तो ये समानता व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट कर देगी। केवल सामान्य व्यक्ति की नहीं, वरन डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन जैसे राजनीतिक विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वानों का भी ये विचार है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। लॉर्ड एक्टन एक स्थान पर कहते हैं कि समानता के उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यस्त हो गई है, कि समानता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि स्वतंत्रता की आशा नष्ट हो चुकी है। किंतु टॉकविले और लॉर्ड एक्टन आदि विद्वानों का विचार सत्य नहीं है। वस्तुत लॉर्ड एक्टन आदि विद्वानों द्वारा स्वतंत्रता और समानता के जिस रूप की कल्पना की गई है, स्वतंत्रता और समानता का वह रूप ना तो समाज में कहीं प्राप्त है और ना ही राजनीति विज्ञान में स्वतंत्र समानता को उस रूप से स्वीकार किया गया है। इस संबंध में लॉस्की ने लिखा है कि डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन के मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा होने के कारण ही उनके द्वारा स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी समझा गया है। किंतु ये गलत निष्कर्ष है, और उनके द्वारा समानता का तात्पर्य गलत रूप से लेने के कारण ही ऐसा किया गया है। सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता तो हॉब्स से बर्बर समाज से ही प्राप्त थी, जिसमें वास्तविक अर्थ में कोई भी स्वतंत्र नहीं था। सभी प्रकार सभी व्यक्तियों की प्रकृति समानता या आय की समानता को स्वर्णलोक की वस्तु है, जिसे समानता पर आधारित साम्यवादी शासन की व्यवस्था के प्रमुख स्टॉलिन ने भी मुक्तापूर्ण बकवास कहा है। राजनीतिक विज्ञान में स्वतंत्र और समानता को तात्पर्य लिखा जाता है, उस अर्थ में स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी नहीं वरन पूरक है। विरोधी नहीं मतलब पूरक, यानी कि आपस में पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। स्वतंत्रता की ठीक परिभाषा करते हुए कहा जाता है कि स्वतंत्रता जीवन की एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति को जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो, विशेषाधिकार का निंतान अभाव हो, और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो। इसी प्रकार समानता के ही सभी रूपों में परिभाषा करते हुए कहा जाता है कि समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्रदान हो, कि जो जो अवसर हैं उनको सभी को समान अवसर प्रदान हो, और इस प्रकार असमानता का अंत हो सके जिसमें मूल सामाजिक वैषम्य है। स्वतंत्रता और समानता की इन परिभाषाओं के अनुसार स्वतंत्रता और समानता दोनों का ही उद्देश्य मानवीय व्यक्तिगत का उत्तम विकास है, और इस प्रकार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के सहायक और पूरक है। क्या? एक दूसरे के सहायक भी और पूरक भी हैं, परस्पर विरोधी नहीं है, सहायक और पूरक है। इस संबंध में एक्टर ने लिखा है कि विरोधाभास ये है कि समानता और स्वतंत्रता जो कि परस्पर विरोधी विचार के रूप में प्रारंभ होते हैं, विश्लेषण करने पर एक दूसरे के लिए आवश्यक हो जाते हैं। ये सत्य है कि समानता के अर्थ की उचित व्याख्या स्वतंत्रता के संदर्भ में ही की जा सकती है। यदि समान अवसरों के द्वारा सबके लिए खुले रहते हैं तो व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार अपनी शक्तियों का विकास करने की यथार्थ स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है। जिस समाज में किसी एक वर्ग के विशेषाधिकार प्राप्त रहते हैं तो सामाजिक तथा आर्थिक अंतर पाए जाते हैं। वह वर्ग अन्य वर्गों पर दबाव डालने की अनुचित शक्ति
प्राप्त कर लेता है और निम्न वर्गों के केवल नाम मात्र की ही स्वतंत्रता प्राप्त होती है। लॉस्की के मत अनुसार समाप्ति के असमानता स्वतंत्रता की विरोधी है। साधनों के अभाव के कारण निर्धन व्यक्ति न्यायों से उचित न्याय नहीं प्राप्त कर सकते और मुकदमेबाजी की लंबी प्रक्रिया में धनी लोग अपने निर्धन पड़ोसियों से दबावदार हो देते हैं। एक अन्य स्थान पर लॉस्की लिखते हैं कि यदि स्वतंत्रता का अर्थ मानवीय आत्मा से लगातार विकास की शक्ति से है तो समान लोगों के समाज के अतिरिक्त शायद ही कहीं संभव है। जहाँ गरीबी और साहूकार हो, शिक्षित और अशिक्षित, तो वहाँ मालकिन और नौकर जरूर मिलेंगे। कि अगर जहाँ पर लोग कम पढ़े लिखे तो वहाँ पर क्या होगा कि मालकिन भी मिलेंगे और नौकर भी मिलेंगे। तो देखो, समानता और स्वतंत्रता क्या है, दोनों के पूरक है, दोनों के लिए एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर आपको समानता नहीं होगी तो आप स्वतंत्रता वहाँ पे नहीं कर सकते। आपको सभी अवसर समान होंगे तो आप अपनी वहाँ पे स्वतंत्रता कर सकते हो, अपने मन से कार्य कर सकते हो। जब वहाँ पे समानता ही नहीं है तो अपने मन से कार्य कैसे करोगे। वास्तव में समानता के द्वारा स्वतंत्रता के आधार पर रूप में कार्य किया जाता है। एक ऐसे राज्य में जिसमें समानता नहीं है, स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे राज्य में जिसमें समानता नहीं है, स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती है, क्योंकि समानता के साथ ही स्वतंत्रता जुड़ी है। अगर आपको वहाँ पे समानता है, सब लोग वहाँ पे समान मिलकर चल रहे हैं, तभी आपको वहाँ पे अपने कार्य करने की स्वतंत्रता है, तभी आप अपने वहाँ पे कार्य कर सकते हो। आपको वहाँ पे समानता ही नहीं है तो आप कार्य कहाँ से करोगे, स्वतंत्रता कहाँ से लाओगे। इस बात को निम्नलिखित रूपों पर स्पष्ट किया। देखिए निम्नलिखित क्या रूप दिए इसमें, देखिए आप। नंबर वन, यदि राजनीतिक समानता नहीं है तो स्वतंत्रता व्यस्त हो जाएगी और जनता के एक बहुत बड़े भाग को शासन में कोई भाग प्राप्त नहीं होगा। यदि नागरिक समानता नहीं है तो जो व्यक्ति नागरिक अयोग्यताओं से पीड़ित है उसे स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं होगी। यदि सामाजिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता कुछ ही व्यक्तियों का विशेषाधिकार हो जाएगी। यदि आर्थिक समानता नहीं है तो धन कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाएगा और केवल वही वर्ग स्वतंत्रता का लाभ उठा सकेंगे। कि अगर पैसे नहीं है तो सिर्फ वही व्यक्ति लाभ उठा सकेंगे जिनके पास पैसे होंगे। अब आते हैं स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार या पक्ष, जो भी आप बोल सकते हो। आपकी बुक में पक्ष दे रखा है, वैसे इसमें प्रकार है। तो नंबर वन है हमारा प्रकृति समानता। प्राकृतिक समानता कौन सी होती है, देखिए आप। प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान रूप से पैदा किया है, अतः सभी समान हैं। इस प्रकार सभी व्यक्ति जन्म से समान होते हैं, उनमें कोई असमानता नहीं पाई जाती। कि जो व्यक्ति जब जन्म लेते हैं तो क्या होते हैं, सब समान होते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा नागरिक समानता। नागरिक समानता, जैसे नागरिक तो आपको पता ही चल रहा है कि ह्यूमैनिटी से बोल रहे हैं नागरिक से। नागरिकता समानता से तात्पर्य है कि सभी लोगों को नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता समान रूप से मिलनी चाहिए। कानून की दृष्टि से सभी नागरिक बराबर होने चाहिए। राज्य व समाज द्वारा नागरिकों को जो स्वतंत्रता प्रदान की जाए वह नागरिक स्वतंत्रता होती है, जैसे धार्मिक, भाषण, प्रेस आदि की स्वतंत्रता। थर्ड आता है हमारा राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता क्या होती है, सभी लोगों को धर्म, रंग, जाति, जन्म आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान रूप से राजनीतिक अधिकार मिलना राजनीतिक स्वतंत्रता है। कि किसी को भी रंग भेद के अनुसार कोई भी मतभेद ना हो, भेदभाव ना हो। इस प्रकार राज्य की नज़र से सभी को समान माना जाता है। फिर आता है आपका आर्थिक समानता। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता मिथ्या है। आर्थिक समानता से हमारा अभिप्राय धन के समान विवरण अथवा आय की समानता से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि समस्त नागरिकों प्राथमिक ज़रूरतों की पूर्ति की जाए। मतलब जो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, थोड़ी सी भी जो उसकी प्राथमिकता है उसकी, तो वो पूरी की जाए। तत्पश्चात यदि कुछ राष्ट्रीय बजट हो तो उसका विवरण सामाजिक हित में हो। समाजवाद और साम्यवाद इसी तथ्य को पुष्टि करते हैं। फिफ्थ पॉइंट आते हैं हमारा कानूनी समानता। कानूनी समानता से ये तात्पर्य है कि सभी कानून की दृष्टि से समान है, किसी के साथ पक्षपात ना हो। रूसो का कथन है, सभी नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान करना नागरिक समाज की प्रमुख विशेषता है। कि सबके लिए समान कानून बनाना चाहिए। फिर आता है हमारा छोटा सामाजिक समानता। प्राकृतिक अथवा नैतिक समानता का आदेश विचार मात्र है, जबकि सामाजिक समानता एक वास्तविकता है। हमने समानता के वास्तविक अर्थ के विषय में जो कुछ कहा है वह ये लागू होता है। इसका ये निर्धारण है कि सबके अधिकार तथा अवसर समान हो, ताकि प्रत्येक अपने व्यक्ति के सर्वोत्तम संभव विकास कर सके। इसका सर्वोत्तम रूप कानून के संसार में देखा जा सकता है, जहाँ हम कानून के सक्षम समानता के सिद्धांत तथा सबको इनके समान संरक्षण के बारे में देखते हैं।
देश का कानून सर्वोच्च पदों पर स्थिति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर सभी नीचे सिपाही या चौकीदार पर समान रूपों में लागू होते हैं। न्याय व्यवस्था किसी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के भेदभाव से रहित होकर सभी के अधिकारों की रक्षा करती है। तो क्या सामाजिक समानता आता है ये? फिर हमारा आता है नैतिक समानता। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य के देशों की सभी सांस्कृतिक भाषाओं और साहित्य को विकसित रूप का विकसित होने का समान अवसर का व सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उसे सबके साथ निष्पक्षता का व्यवहार करना चाहिए, साथ ही साथ सबको शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो ये क्या है? हमारी नैतिक समानता है ये, कि सबको शिक्षा का अधिकार हो, सबको समान अवसर प्रदान हो। तो गाइस देखिए, यहाँ जाके ही हमारा जो चैप्टर नंबर 5 था वो कंप्लीट होता है। हमने बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट बना के आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आया हो। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।